मोदी जी को वोट दिया कि वो कुछ अलग करके दिखाएंगे, मगर उन्होंने इस देश का हालत, गोवा राज्य का हालत दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है और बद से बदतर कर दिया है। इसलिए हम लोग आज यहाँ पे जमा हुए। आज गोवा के यहीं पे नहीं, चार और ठिकाने पे इसी तरह वर्कर्स बैठे हुए हैं और अपनी न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग कितने टाइम से बैठ रहे हैं? करीबन 3.5 महीने, हाँ 98 डेज से ये लोग यहाँ पे बैठे हुए, मगर सरकार का कोई रिप्रेजेंटर यहाँ पे नहीं आ रहा है। हम लोग आज यहाँ पे सेवा दल की तरफ से कोई पॉलिटिकल इशू के लिए, बाइलेज के लिए नहीं आए, हम लोग इनका सपोर्ट के लिए आए। मैं एक महीने पहले आया था, जब यहाँ से गुजर रहा था तब मैंने पूछा था इनको, हमारे अध्यक्ष से, कि ये लोग क्यों बैठे। तब उन्होंने इनका जब समस्या बताया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मैं गोवा में आ रहा हूँ तो मेरा पूरा सपोर्ट इनके साथ रहेगा, और जब तक गोवा राज्य के अंदर माइनिंग फिर से शुरू नहीं होता है, जब तक इनको इनके हक का नौकरी नहीं मिलता है, तब तक मैं बार बार लगातार आके यहाँ पे अनशन करने का और डेमोक्रेटिक वे से इनको न्याय दिलाने का काम करूँगा। जय हिंद। पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद। शुरू करो शुरू करो गोवा माइनिंग, शुरू करो 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 इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, गोवा माइनिंग पीपल फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद।